नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक धमाकेदार स्कीम के बारे में, जिसके अंदर आप पैसा लगाओगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न में आपको मिलने वाला है। काफ़ी अच्छा मतलब कितना, 8% से ज़्यादा। वो भी आपको फंड को इस तरह से मैनेज करके इन्वेस्टमेंट करना है तो आराम से आप 8% से ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हो। वो भी भले आप सीनियर सिटीजन नहीं हो, तो भी अगर सीनियर सिटीजन हो तो आपको ज़्यादा ब्याज मिलने वाला है। तो चलो दोस्तों देखते हैं क्या कुछ खास से आज के वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लो मेरे यारों, लाइक कर लो। सबसे पहले यहां पे हम बात करें तो पोस्ट ऑफिस है भारत सरकार की है। पोस्ट ऑफिस इसमें 100% भरोसा कर सकते हैं। आंख बंद कर से हम इसमें पैसा डाल सकते हैं। बैंक वगैरह में पैसा हम रखते हैं तो खाली 5 साल 5 लाख का बीमा रहता है, उसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है। लेकिन पहली बात है कि पोस्ट ऑफिस में आपको गारंटी मिलती है फंड की कि आपका पैसा कहीं पे भी नहीं जाएगा, सुरक्षित रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस की। ये स्कीम का नाम है MIS, मंथली इनकम स्कीम। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा 8% कैसे आप इंटरेस्ट अर्न कर पाओगे और हर महीने कैसे आप इसके अंदर 20,000 से ज़्यादा रुपया ले सकते हो। अभी हम आगे बात करें तो हु कैन ओपन, कौन कौन एक खाता का अकाउंट ओपन करवा सकता है। ये पोस्ट ऑफिस का MIS अकाउंट भारत का कोई भी नागरिक अकाउंट ओपन करवा सकता है। ये अकाउंट ज्वाइंट भी कर सकता है और सिंगल भी कर सकता है। और अगर छोटा बच्चा है तो उसके गार्डियन यानी कि मदर फादर के साथ भी अकाउंट ओपन करवा सकता है। और आपका बेटा 10 साल से बड़ा है तो खुद अकेला ओपन भी करवा सकता है। ये तो बात हो गई अकाउंट ओपनिंग की। अभी आगे बात करते हैं डिपॉजिट की। दोस्तों इसके अंदर पैसा कितना इन्वेस्ट करना है, मिनिमम 1,000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो और मैक्सिमम इसकी लिमिट है सिंगल पर्सन की 9 लाख रुपया। और आप जॉइंट अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पे आपकी लिमिट बन जाएगी 15 लाख रुपया। यानी कि आपके घर में हस्बैंड वाइफ हो तो आप 15 लाख रुपये आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और आपके बाबूजी है, आपकी मम्मी जी है तो उसके नाम पे भी 15 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो। टोटल 30 लाख रुपये आप आराम से इन्वेस्ट कर पाओगे। अभी आगे बात करते हैं इसके अंदर इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.4, यानी कि काफ़ी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसके अंदर आप। और इसका जो ब्याज होगा वो हर महीने ऑटोमेटिक आपके सेविंग अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। ऑटो FD रहेगा, ये ऑटोमेटिक आपका ब्याज आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। अभी बात करते हैं, हमने तो एक प्री मेच्योर क्लोज करवाना है तो हमने पैसा रख दिया, फिर पैसे की ज़रूरत पड़ी तो क्या करें। हमें प्री मेच्योर क्लोज करना है FD तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी MIS स्कीम प्री मेच्योर क्लोज। 1 साल तक कोई प्री मेच्योर नहीं होगा, मतलब 1 साल तक नहीं होगा, लेकिन 1 से 3 साल के बीच आप ये अकाउंट क्लोज करवा सकते हो विथ 2% पैनल इंटरेस्ट। यानी कि और 3 साल से 5 साल के बीच करवाते हो तो यहाँ पे 1% पैनल इंटरेस्ट लगेगा, उसके बाद कुछ नहीं लगने वाला है। और बात करते हैं इसके टेनर के बारे में। इसका टेनर है 5 साल का। और आगे बात करें तो इसमें आपको आपके डॉक्यूमेंट पैन कार्ड आधार कार्ड देना है और आपको पासबुक इश्यू कर दी जाएगी। अभी बात करते हैं MIS स्कीम के अंदर कितना पैसा मिलता है आपको। यहाँ पे हम बात करें तो MIS स्कीम के अंदर अगर हम 5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको हर महीने मिलेगा 3,080 रुपया। टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इसके अंदर 5 लाख, और उसके सामने इंटरेस्ट मिलेगा 1,85,000 रुपया 5 साल का। अभी 9 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका टोटल बन जाएगा 5,550। टोटल रिटर्न मिलेगा 3,33,000 और टोटल इन्वेस्टमेंट और दोनों मिला के मिल जाएगा 12,33,000 रुपये। अभी बात करते हैं 15 लाख। अगर आप 15 लाख जॉइंट अकाउंट में रखते हो, आपके घर में बाबूजी है उसका भी जॉइंट अकाउंट, दोनों मिला के 30 लाख इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका टोटल रिटर्न बन जाएगा 18,500 रुपया। हर महीने क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके खाते में। और अभी आपको क्या करना है, वो 18,500 की कर देनी है RD यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट 5 साल के लिए। अभी उसकी अमाउंट बन जाएगी ब्याज के साथ मिला के 13,33,000 रुपया। और आपने 30 लाख इन्वेस्टमेंट किया है, दोनों मिला के बन जाएगा 43,30,000। यानी कि ये काफ़ी अच्छा अमाउंट बन गया है। आपको 30 लाख पे 13,30,000 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। आप कैलकुलेशन करोगे तो ये इंटरेस्ट 8% से भी ज़्यादा है। यानी कि काफ़ी अच्छी स्कीम है। आप पोस्ट ऑफिस आज ही विजिट कीजिए और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इसके अंदर। जय हिंद, जय भारत।